नमस्कार बच्चों, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं 11th क्लास का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, और वो है बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या मतलब है पहली बात तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, पहली बात मुझे मतलब बताइए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब है, ये मैं बताता है किस तरीके से एलिमेंट कंबाइन होकर हमें कंपाउंड फॉर्म करते हैं, एलिमेंट किस तरीके से कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ये लॉज हमें उसी के बारे में बताते हैं इंफॉर्मेशन। एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो वो सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं, जब एलिमेंट कंबाइन होकर कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो वो सर्टेन लॉज को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला लॉ आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत आसान लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप जो केमिस्ट्री में बैलेंसिंग करते हैं ना इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एटम्स को चेंज किया जा सकता है, एक एक फॉर्म ऑफ एटम को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास को चेंज नहीं किया, मास ना तो डेवलप किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। देखो ये क्या कहता है, पहले समझते हैं ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, the total mass of reactant is equal to total mass of product during any physical or chemical change, the total mass of reactant is equal to the total mass of the product। किसी भी physical और chemical change के दौरान जितना mass reactant का होगा उतना ही mass product का होगा, ना तो mass create किया जा सकता है ना mass destroy किया जा सकता है। यहां एक और कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मेरी बात समझिए बहुत ध्यान से, मैटर ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जितना मास किसी भी रिएक्शन के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है। जैसे मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप बोलेंगे कैसे जरा समझें। जैसे मान लीजिए आपने मरकरी ऑक्साइड लिया, इसको हीट किया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मरकरी में प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, तो जितना मास इसका है मास ऑफ HgO इज इक्वल टू द मास ऑफ मरकरी प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है, जितना मास HgO का होगा इन दोनों का मिला के भी मास उतना ही होगा, ना तो मास क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर मैं HgO को गर्म कर दूं तो HgO Hg+H2O में कन्वर्ट होता है, जितना मास HgO का होगा बच्चों जितना मास HgO का होगा उतना इस Hg+H2O इनका मास दोनों का सम करके इसके बराबर होगा। अभी भी नहीं समझ में आया। चलिए बात करते हैं फिर से, आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो बैलेंसिंग है ना केमिकल इक्वेशन की, बेटा जो आपकी बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन की, जो बैलेंसिंग है केमिकल इक्वेशन की, मैं फिर बोल रहा हूं बैलेंसिंग किसी भी केमिकल इक्वेशन की, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही फॉलो करती है। बेटा एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं, बस सिर्फ एटम रीअरेंज हो जाते हैं, एटम ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, एटम सिर्फ रीअरेंज हो जाते हैं। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको फॉलो करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे मान लीजिए CH4+2O2 changes into CO2+2H2O, एक H2O का मास 18, दो H2O का मास 36 ग्राम, एक CO2 का मास 44, मालूम है ना कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16, तो 16 टू 32, 32 प्लस 12 44, 44 प्लस 36
80 ग्राम, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया 80 ग्राम, CH4 कार्बन का मास 12, 12 प्लस 4 16 ग्राम, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस का मास 32 इंटू 2 64 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 80 ग्राम, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज 80 ग्राम। बताइए यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4, यहाँ पर भी कितने हैं 4, यहाँ कार्बन 1, यहाँ पे भी कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 4, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। तो मैंने क्या बताया, मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, सिर्फ रीअरेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ने हमें यही बताया। बेटा इसका एक लिमिटेशन है, इस लॉ की एक लिमिटेशन है। सर एंटनी लबोजियर ने ये लॉ दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सर एंटनी लबोजियर ने दिया था। लिमिटेशन क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन में वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां पे कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत आसान है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। बैलेंसिंग, किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। एटम सिर्फ रीअरेंज करे जा सकते हैं, एटम ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मेरी बात सुन ली, यहां मैंने बताया है द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 80 ग्राम, द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज 80 ग्राम, तो मैंने क्या फॉलो किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वैलिड, क्योंकि वहां पे कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, क्लियर है मेरी बात बच्चों, बहुत आसान है। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। आपकी जो बैलेंस इक्वेशन है वो भी यही कहती है, जितना ऑक्सीजन इधर होंगे उतना ही ऑक्सीजन इधर होंगे। किसको फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यों वैलिड नहीं है, क्योंकि वहां कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी में फॉर्म में कुछ मास निकल गया। मेरी बात समझ रहे ना, ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ पढ़ लिया लोगों ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम लोगों ने पढ़ लिया। किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान जितना मास रिएक्टेंट का होगा प्यारे बच्चों उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, सिर्फ कन्वर्ट होते हैं, रीजनरेट नहीं होते। दे कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट एटम्स ना तो आप जनरेट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। अब क्लियर कुछ। सेकेंड जो हमारा लॉ है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, प्यारे बच्चों समझते हैं क्या कहते हैं। पहले बता दें सर जोसेफ प्रस्ट ने ये लॉ दिया था, किसने दिया था ये लॉ, सर जोसेफ प्रस्ट। मैं आपको पहले इसके एग्जांपल समझाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए H2O है, अब ये बताओ इसमें मास रेशो क्या होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, 1:8। इसका मतलब क्या है, वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय मास। 8 पार्ट हाइड्रोजन को 8 पार्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वाटर बनाने के लिए। अब आपको मैं बताना चाहता हूं इस लॉ के बारे में। ये लॉ ये कहता है ये वाटर कहीं से भी मिले, ये वाटर चाहे नल का पानी हो, कुएं का पानी हो, नदी का पानी हो, समुद्र का पानी, अगर ये वाटर है तो ये कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकती, ये कंपोजिशन ऑलवेज डेफिनेट होगी। अमेरिका में ले लो पानी, इंडिया में ले लो, कहीं पर भी पानी ले लो, अगर वो वाटर है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में मास रेशो ऑलवेज 1:8 होगा। इस बात से लेना देना नहीं है कि ये किस सोर्स से ऑब्टेंड हो रहा है, एक कंपाउंड डिफरेंट सोर्स से ऑब्टेंड हो बट उसके अंदर कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकती एलिमेंट्स के बीच की। कौन सी कंपोजिशन, बाय मास। अभी भी मेरी बात नहीं समझ में आई, दुनिया में कहीं पर भी अगर पानी मिलेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही मिलेगा, ये कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकती। इसका मतलब एक पार्ट हाइड्रोजन को 8 पार्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर वाटर मिलेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का मास रेशियो 1:8 होगा,
भले ही ये कंपाउंड डिफरेंट सोर्सेज से मिले, बट अगर यही कंपाउंड है तो मास रेशियो बिटवीन द एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। मेरी बात सुनी ना, इन दो एलिमेंट का जो कंपोजिशन है बाय मास वो ऑलवेज फिक्स होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, इरिस्पेक्टिव होगा सोर्स से। ये नल का पानी हो, समुद्र का पानी हो, अमेरिका में पानी हो, इंडिया में हो, कहीं पर भी अगर वाटर मिलेगा तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का मास रेशो 1:8 ही रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता। कुएं का पानी हो, मोटर का पानी हो, 1:8 ही रहेगा। सोर्स से लेना देना नहीं है, अगर वो कंपाउंड है तो उसके अंदर कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो है, रेशो बिटवीन द एलिमेंट, मास का जो रेशो है एलिमेंट्स के बीच में, वो ऑलवेज फिक्स होगा। मैं आपको बता देता हूं लॉ, द कंपाउंड कंटेन एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, फिक्स्ड रेशो बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स। बेटा सोर्स से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए मैं आपको बताऊं, CO2 है, कार्बन का मास कितना होता है 12, तो कंपाउंड कंटेन एलिमेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स 12, ऑक्सीजन का मास यहां 32 है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या रेशियो है 3:8, मतलब 3 पार्ट ऑफ कार्बन को 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है CO2 बनाने के लिए। अगर दुनिया में कहीं पर भी 3 पार्ट कार्बन को 8 पार्ट ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी ना, तो वो यही होगा कंपाउंड कौन, CO2। मतलब अगर CO2 है तो ये कंपोजिशन कहीं चेंज नहीं हो सकती, चाहे वो CO2 कार्बन प्लस ऑक्सीजन को बनाने से बनी हो, या फिर वो चाहे वो CO2 कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने से बनी हो। अगर वो CO2 है तो इन दोनों के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास रेशो है वो 3:8 ही रहेगा। इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक कंपाउंड के अंदर, अगर एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का मास रेशो ऑलवेज फिक्स्ड होता है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो किस सोर्स से ऑब्टेन किया गया है। ये CO2 कार्बन को जला के ऑब्टेन की जाए या कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करके ऑब्टेन की जाए, अगर वो CO2 है तो ये कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकती बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये कंपोजिशन कभी चेंज नहीं हो सकती कार्बन और ऑक्सीजन के बीच 3:8। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। दुनिया में कहीं पर भी अगर CO2 मिलेगी तो कार्बन का 3 पार्ट 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, ये रेशो बदल नहीं सकता। अगर ये रेशो बदल गया तो वो कंपाउंड CO2 नहीं होगा, अगर ये रेशो बदल गया तो ये कंपाउंड CO2 नहीं होगा। दुनिया में किसी भी कोने में वाटर मिलेगा, ऑलवेज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का रेशो 1:8 होगा। मेरे प्यारे बच्चों 1:8 बहुत आसान लॉ है, आपको समझना है मैं क्या कह रहा हूं। एक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट ऑलवेज फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में मिलते हैं। CO2 दुनिया के किसी भी कोने में मिलेगी ना 3:8 का रेशो होगा। हाँ, वाटर किसी भी दुनिया के कोने में मिलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो 1:8 होगा बाय मास। मेरी बात समझ लो पूरे अच्छे तरीके से। एक कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट के बीच का रेशो बाय मास ऑलवेज फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज हो गया तो वो कंपाउंड नहीं होगा, वो फिर वो अगर ये 1:8 का रेशो चेंज हो जाए तो फिर वो वाटर नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों इस बात को लिख लो, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स, नॉट वैलिड इन केस ऑफ आइसोटोप्स। लिख लेना ही बेटा, लिमिटेशन इन केस ऑफ आइसोटोप्स, इन केस ऑफ आइसोटोप्स। प्यारे बच्चों इसको नोट कर लिया जाए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन। थर्ड केस बेटा, थर्ड केस बता रहा हूं, थर्ड लॉ बता रहा हूं, नॉट वैलिड फॉर आइसोटोप्स। बेटा आइसोटोप्स में वैलिड नहीं है, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सर डाल्टन्स ने दिया था, सर डाल्टन्स ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया था। इनका क्या कहना था, पहले समझते हैं उसके बाद डेफिनेशन है। जब दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन को मैंने कंबाइन किया, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जैसे मान लीजिए एक कार्बन ने बनाया CO और एक बनाया CO2। जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करें, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, टू फॉर्म
टू और मोर कंपाउंड्स। अब इस कंपाउंड के अंदर क्या है, 12 पार्ट्स कार्बन के 16 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। इसके अंदर क्या है, 12 पार्ट्स कार्बन के 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, CO when two elements combine and to form two or more than two compound, then the mass of one element combined with the fixed mass of another element, then the mass of one element combined with the fixed mass of another element having a simple whole number ratio. अब मेरी बात समझ नहीं, एक element इसमें बताइए किस element का mass fix कर दिया मैंने, इसमें किसका mass मैंने fix कर दिया, carbon का mass fix है, oxygen ऑक्सीजन जो है वो किसके फिक्स्ड मास से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन का मास फिक्स्ड है। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, किसका मास, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर, किसके फिक्स्ड मास से रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन, कार्बन की। भाई दोनों केसेस में कार्बन का मास फिक्स्ड है ना, 16 पार्ट्स कंबाइन विद 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, 32 पार्ट्स कंबाइन विद 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन, तो मैंने किसका मास फिक्स कर दिया है, कार्बन का, तो मैं किसके बीच का रेशियो ले लूं, ऑक्सीजन के बीच का जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर आएगा। मैंने क्या बोला, डेफिनेशन को सुनिए, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर बीयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो बताओ इसमें सिंपल ऑक्सीजन के बीच का रेशियो कितना होगा, 16:32, 1:2। अभी मैं नहीं समझे, मैंने क्या बोला, जब दो या दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट के बीच का रेशियो ले लेते हैं, दूसरे एलिमेंट में मास का रेशियो ले लेते हैं, और वो मास ऑलवेज सिंपल होल नंबर रेशियो में आना चाहिए। मेरी बात नहीं समझे, सिंपल होल नंबर रेशियो में जब दो एलिमेंट कंबाइन करें और टू और मोर देन टू कंपाउंड बनाए, उसमें एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देना और दूसरे एलिमेंट के बीच के मासेस का रेशियो ले लेना है, वो मास का रेशियो ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए। क्या बोलती है डेफिनेशन, जरा समझते हैं, जरा डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन with the fixed mass of another element bear a simple whole number ratio। मेरी बात समझी प्यारे बच्चों आपने, जब दो एलिमेंट कंबाइन करें और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाए, तब एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं और दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो निकालते हैं, वो रेशियो ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए। बच्चे बोले अभी भी समझ में नहीं आया, चलो फिर से करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं अभी भी सर समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं H2O ले लूं और मैं H2O2 ले लूं, H2O में बताओ मास रेशियो क्या है, 2:16, H2O2 में क्या है मास रेशियो, 2:32 है ना बेटा। मैंने क्या बोला H2O में, इसका क्या मतलब है, दो पार्ट हाइड्रोजन के 16 पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, इसमें दो पार्ट हाइड्रोजन के 32 पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो किसका मास मैंने फिक्स कर दिया, किसका मास मैंने फिक्स कर दिया मैंने किसका मास, हाइड्रोजन का। तो बताओ किसके बीच का रेशियो, ऑक्सीजन के बीच का रेशियो कितना आएगा, 16:32 मतलब 1:2 आएगा। मैंने क्या बोला ऑक्सीजन, मैंने क्या बोला था, जब दो एलिमेंट कंबाइन होकर टू और मोर कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर देते हैं, दूसरे एलिमेंट के मासेस का रेशियो लेते हैं, वो मास का रेशियो ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए। बच्चे बोलते हैं सर अगर मास फिक्स नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, एक के मास को फिक्स करना पड़ेगा। यहां तो बेटा ऑलरेडी पहले से फिक्स करके दे रखा है, अगर ऑलरेडी पहले से फिक्स ना दिया होता तो हमें करना पड़ता, आप किसी का भी मास फिक्स करते हैं, कोई जरूरी नहीं हाइड्रोजन का। बेटा मैंने हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि यहां ऑलरेडी हाइड्रोजन का मास फिक्स था, अगर यहां मास फिक्स नहीं होता तो मैं ऑक्सीजन का मास भी फिक्स कर सकता हूं। मुझे किसी भी एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है और दूसरे एलिमेंट के बीच का रेशियो निकालना है, वो सिंपल होल नंबर आना चाहिए। मेरी बात अभी भी नहीं समझ में है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं बहुत अच्छे से समझिए, बहुत आसान है। मान लीजिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर बनाते हैं N2O, NO, N2O3, N2O4, N2O5।
N2O में क्या है जरा मुझे बताइए, 28:16, इसमें क्या है 14:16, इसमें क्या है 28:48, इसमें क्या है 28:64, इसमें क्या है 28:80। अब बच्चा क्वेश्चन बोलता है सर इसमें सभी केसेस में नाइट्रोजन का मास फिक्स है सभी केसेस में, बट इस केस में नहीं है तो इसको फिक्स करना पड़ेगा, मैंने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बोलो मैंने इसके मास को फिक्स करने के लिए क्योंकि सभी में नाइट्रोजन का मास फिक्स है ना, तो मुझे यहाँ पे भी नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा बोलो 28:32। अब बताओ सभी केसेस में नाइट्रोजन का मास क्या हो गया फिक्स, और नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया, नाइट्रोजन का मास क्या कर दिया मैंने बेटा फिक्स कर दिया। हमें किसके बीच का रेशियो ले लूं, किसके बीच का रेशियो ले लूं, ऑक्सीजन के बीच का रेशियो ले लूं, तो रेशियो ले लो ऑक्सीजन के बीच में वो आएगा 1:2:2, 3:2:4:2, 1:2:2:1:2:2:3:4:5, 1:2:2:3:4:5। मैं आपको बताना चाहता हूँ 1:2:2:3:4:5 आएगा। नाइट्रोजन का मास मैंने फिक्स कर दिया, किसके बीच का रेशियो ले लिया ऑक्सीजन के बीच का रेशियो ले लिया, और वो रेशियो आएगा 1:2:2:3:4:5। ये तो हमारा कौन सा लॉ खत्म हो गया, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन अगले टाइम पर बेटा है ना, आज तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है, अगर ऑलरेडी पहले से फिक्स दे रखा है तो करने की आवश्यकता नहीं है, पर अगर फिक्स नहीं दे रखा है तो करने की आवश्यकता है। एक एलिमेंट के मास को तो फिक्स करना ही करना है, मतलब आप समझिए मेरी बात, एक एलिमेंट के मास को फिक्स करना है, दूसरे एलिमेंट्स के मासेस का रेशियो निकालना है, वो रेशियो ऑलवेज होल नंबर आना चाहिए। दोनों कंपाउंड में एक एलिमेंट का मास फिक्स करना है। जैसे अभी आपको मैंने बताया था अगर मैं H2O ले लूं तो ये बता रहा है कि टू पार्ट्स हाइड्रोजन 16 पार्ट ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है, और अगर मैं H2O2 ले लूं तो बताओ मेरा 2 पार्ट हाइड्रोजन 32 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहा है। तो बताओ यहां किसका मास फिक्स है, दोनों कंपाउंड के अंदर किसका मास फिक्स है, दोनों एक फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का बीच का मास का रेशियो आ जाएगा 16:32, 1:2। कौन से लॉ हो गया, 3 लॉ हो गए बेटा, प्लीज बच्चों नोट कर लेना। फोर्थ लॉ है सर, साइंटिस्ट गे लूसक ने अपने ही नाम पर दिया था, गे लूसक लॉ गैसेस के लिए वैलिड है बेटा। पहली बात किसके लिए वैलिड है बेटा, गैसेस के लिए वैलिड है। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, असली में इसकी सिमिलैरिटी है लॉ ऑफ मल्टीपल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से, इसकी सिमिलैरिटी है। ये कहता है जब गैसेस कंबाइन करती हैं या फिर प्रोड्यूस होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, जब गैसेस कंबाइन करें या फिर प्रोड्यूस हो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वो सिंपल होल नंबर रेशो बाय वॉल्यूम में कंबाइन होती है, सिंपल होल नंबर रेशो बाय वॉल्यूम में कंबाइन होती है। जब गैसेस कंबाइन होती हैं या प्रोड्यूस होती हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम में कंबाइन होती हैं। अगर सभी गैसेस को मैं आइडेंटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पे ले लूं तो, अगर सभी गैसेस को मैं सिमिलर कंडीशन में ले लूं तो, बहुत आसान है। अब वो कह रहा है जो गैसेस का जो वॉल्यूम रेशियो है वो फिक्स होता है, मैं फिर बोल रहा हूं बिल्कुल सिमिलैरिटी है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से, वो मास रेशियो फिक्स था इसमें वॉल्यूम रेशियो फिक्स है, वो मास रेशियो फिक्स था लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में इसमें वॉल्यूम रेशियो फिक्स है। आपको समझाता हूं, पहले समझाता हूं। मान लीजिए अगर मैं H2 ले लूं, O2 ले लूं, H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन चेंजेस इनटू H2, यही होगा ना, H2 प्लस हाफ O2 कंबाइन इनटू H2। अगर मैं 100 ml H2 लूंगा, तो अगर मैं 100 ml लूंगा तो इसका कितना ml रिक्वायर्ड होगा, 50 ml रिक्वायर्ड होगा, और ये कितना बनेगा, 100 ml बनेगा। तो इन दोनों गैसेस का रेशो कितना हुआ, किस रेशो में कंबाइन कर रहे हैं, अगर मैं इसका 100 ml लूंगा तो इसका 50 ml लूंगा, तो ये रेशो आ गया 2:1। अब मैं आपको समझाता हूं, ये NCERT का एग्जांपल, इसका मतलब है अगर मुझे 100 ml मुझे वाटर बनाना है, अगर मुझे 100 ml वाटर बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम रेशो है वो 2:1 होना चाहिए। टू पार्ट बाय वॉल्यूम हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, 1 part बाय वॉल्यूम ऑक्सीजन लेनी पड़ेगी, तभी जाके 1 part बाय वॉल्यूम H2O बनेगा। अभी नहीं समझे, वॉल्यूम रेशियो फिक्स कर दिया, अगर मुझे H2O बनाना है तो मुझे 2 parts हाइड्रोजन को 1 part ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बाय वॉल्यूम, 2 part हाइड्रोजन को 1 part ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है बाय वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम रेशियो फिक्स हो गया ना। अगर आप H2O बनाना चाहते हैं बाय वॉल्यूम तो गैसेस के लिए वैलिड है पहली बात तो आपको समझना होगा कि अगर दो पार्ट हाइड्रोजन को एक पार्ट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वाटर बनाने के लिए बाय वॉल्यूम, अगर सभी गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होंगी तो। अब बच्चे बोले अभी भी नहीं समझ में आया सर क्या कहना चाहते हैं आप, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स टू HCl गैस, तो इसका मतलब क्या है, वन वॉल्यूम ऑफ H2 कंबाइंड विथ वन वॉल्यूम ऑफ Cl2 गिव्स टू वॉल्यूम ऑफ HCl। मेरी बात समझ में, एक वॉल्यूम H2 का एक वॉल्यूम Cl2 के साथ कंबाइन होगा तभी मुझे दो वॉल्यूम HCl का देगा, तो रेशियो कितना आ गया 1:1:2। बट ये तभी है जब अंडर सभी गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होंगी। अभी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अभी भी आपकी समझ में नहीं आया, मतलब अगर आपको टू वॉल्यूम HCl बनाना है तो एक वॉल्यूम H2 जब एक वॉल्यूम Cl2 से कंबाइन होगा तभी टू वॉल्यूम HCl बनेगा, तो ये रेशियो फिक्स हो गया ना। अगर HCl बनाना चाहते हो तो जितने हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड है उतना Cl2 बाय वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ना, बट कब, जब अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो। N2 प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, बताओ क्या रेशियो है, 1:3:2 रेशियो है बाय वॉल्यूम। क्या कहने का मतलब है, एक पार्ट बाय वॉल्यूम N2 कंबाइन विथ 3 पार्ट बाय वॉल्यूम H2 टू गिव 2 पार्ट बाय वॉल्यूम NH3। मेरी बात सुनो, एक पार्ट बाय वॉल्यूम N2 3 पार्ट बाय वॉल्यूम H2 के साथ कंबाइन होकर हमें 2 पार्ट बाय वॉल्यूम NH3 देता है, ये रेशियो भी सिंपल होल नंबर रेशियो है, अगर ये गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ले ली जाए। तो जिस तरीके से इनके मास रेशियो फिक्स होते थे कंपाउंड बनाने में, उसी तरीके से अगर ये गैसेस हैं तो इनके वॉल्यूम रेशियो भी फिक्स होंगे। अगर एक पार्ट नाइट्रोजन का 3 पार्ट हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा बाय वॉल्यूम तो 2 पार्ट बाय वॉल्यूम अमोनिया बनाएगा, ये ही चीज कहलाती है कौन सा लॉ, गे लुसक लॉ। बेटा अगला बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, न्यूमेरिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, और ये लॉ है हमारा एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अगर गैसेस के वॉल्यूम बराबर हैं तो उनके मोल्स भी बराबर होंगे, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बराबर होंगे, उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि गैस का नेचर कैसा है, बट ये शर्त तभी है जब सभी गैसेस सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होंगे। फिर बोल रहा हूं एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अभी आपने गे लुसक लॉ की डेफिनेशन लिख ली है, When gases combine or produce during a chemical reaction, they do so in simple whole number ratio by volume. Under similar condition of temperature and pressure. जब गैसेस आपस में कंबाइन करते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, दे डू सो इन अ सिंपल होल नंबर रेशो, और सिंपल होल नंबर रेशो में कंबाइन होती हैं बाय वॉल्यूम अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गे लुसक लॉ की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है, अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम हैं तो गैसेस के मोल्स भी सेम होंगे। मेरी बात लिखिएगा जैसे मैं बोल रहा हूं, गैसेस के मोल्स भी सेम होंगे, गैसेस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे, बट ये तभी सेम होंगे जब ये सारी गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होंगी।
मतलब अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैसेस के वॉल्यूम अगर सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, उनके नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, बट अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, इसको कैसे बोलते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा गैस के नेचर से कोई लेना देना नहीं है, अगर गैसेस के वॉल्यूम बराबर है तो उनके अंदर पार्टिकल्स भी बराबर होंगे, उनके मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे, ना उनके उनके मोल्स भी बराबर होंगे, बट तभी संभव है जब गैसेस सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसका न्यूमेरिकली बड़ा यूज है बेटा, मेरी बात समझ गए। अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो गैसेस के मोल्स भी सेम होंगे, गैसेस के नंबर ऑफ पार्टिकल या मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, बट कब सेम होंगे, जब सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूं, एक मोल वन मोल गैस कोई भी गैस एक मोल गैस का एट एसटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है। एसटीपी का मतलब है गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं आपको बताऊंगा ये आया कैसे है वॉल्यूम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस के लिए होता है 273 केल्विन एंड प्रेशर 180 एम। किसी भी गैस को इस कंडीशन पे ले लो, आप 273 केल्विन 180 एम प्रेशर पे ले लो, किसी भी गैस को 273 केल्विन 180 एम प्रेशर पे ले लो, तो उसका एक मोल गैस का 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। एक मोल गैस का कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। आप उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर सभी गैसे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हैं और अगर उनका वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो सभी के मोल्स 1 होंगे और सभी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। आपको मालूम है एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा। एक मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर पार्टिकल होते हैं, एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.022 × 10³³ पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर मान लो किसी गैस का एक मोल है किसी भी गैस का एट एसटीपी, तो उन सभी के वॉल्यूम बराबर होंगे। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर गैस के नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है एसटीपी पे, तो उनके मोल्स भी सेम होंगे और उनका वॉल्यूम भी सेम होगा। ऊपर से ही पढ़ सकते हो, अगर गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनके अंदर उनके मोल्स भी सेम होंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम। इसको कैसे लिखा गया, एनसीईआरटी कैसे बोलती है, एनसीईआरटी बोलती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आप बोलेंगे इसका मतलब अभी समझा और समझाता हूं। मान लीजिए एक मोल आप SO2 गैस ले लो एट एसटीपी, एक मोल आप CO2 गैस ले लो एट एसटीपी, दोनों को सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ले रखा है और दोनों के मोल बराबर है तो दोनों का वॉल्यूम भी बराबर होगा। मैं यही तो बताना चाहता हूं, कोई भी ले लो एक मोल, किसी भी गैस को ले लो एसटीपी पे, सभी का वॉल्यूम बराबर होगा। तो उसने क्या कहा था एवोगैड्रो लॉ ने कहा था कि अगर गैसेस के वॉल्यूम बराबर है सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर पे, तो उनके मोल्स भी बराबर होंगे और उनके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बराबर होंगे। और ये हमारा टॉपिक बेटा खत्म हो गया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉम्पिटेटिव वैल्यू बेच में मैं रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। और हम अगले टर्न से एटॉमिक मास है ना, मोल कंसेप्ट, ये टॉपिक चालू कर रहे हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।